Hello everyone, I am Mamta Mishra, your maths teacher. Today I am going to teach class 5, lesson 3rd and exercise 3.5. So, today's topic is division. जैसा कि इसके पहले वीडियो में भी division है, अभी आपका division topic ही चल रहा है और I hope अभी 2-3 वीडियो में और division से ही बनाऊंगी. तो children, आज word problems है. Word problems में भी एक question, एक दो क्वेश्चन मैंने कराया डिवीज़न और आज मैं क्वेश्चन नंबर 2. हाँ, तो एक क्वेश्चन मैंने कराया वर्ड प्रॉब्लम का, आज क्वेश्चन 2 कराऊंगी. तो नाउ स्टार्ट. क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ 125 गेम्स इज ₹1,23,125. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन गेम. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले भी मैंने बताया कि वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन को बारीकी से एकदम समझिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. पहले आप ये जानिए. तो द कॉस्ट ऑफ 125 गेम्स मीन्स 125 गेम की कीमत कॉस्ट 1,23,125 रुपीज है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन गेम की कीमत बताइए, वन गेम की कॉस्ट बताइए. तो चलिए एक चीज आप ध्यान रखिए कि जैसे इस क्वेश्चन में है कॉस्ट ऑफ 125 की कीमत है ना, मीन्स कई चीज है. 125 एक से अधिक है ना. 125 की कीमत कॉस्ट 1,23,125 रुपीज है और पूछा कितने का है. हमें क्वेश्चन मतलब पता क्या करना है, हमें एक के बारे में पता करना है, वन गेम की कॉस्ट क्या होगी. अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जब वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन होते हैं तो आप अभी तो मालूम है कि यहाँ डिवीजन टॉपिक चल रहा है तो डिवीजन ही करना होगा. लेकिन अगर कई क्वेश्चन दिए वर्ड प्रॉब्लम्स में तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, कंफ्यूजन होती है ना. इसको क्लियर कर देते हैं. जैसे एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि यहाँ देखिए कई है ना, वन के बारे में नहीं है, कई चीज़ की कीमत बताई है और एक चीज की पूछी है. समझ में आ रहा है ना कि 125 वन की कीमत नहीं बताया, कई है ना इसमें. 125 की कॉस्ट इतनी है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन गेम, आपको वन गेम के बारे में बताना है, मीन्स कई के बारे में हमें पता है और एक का निकालना है. तो जब एक के बारे में हमें पता करना है तो वहाँ क्या होता है, डिवाइड होता है. डिवाइड करने पे एक के बारे में पता चलता है और मल्टीप्लाई करने पर कई के बारे में पता चलेगा. मीन्स अगर ये बता दें कि वन गेम की कीमत इतनी है तो इतने गेम की कीमत क्या होगी. समझ रहे हो, अगर वन गेम इसी मैंने क्वेश्चन दूसरा होता यहाँ कॉस्ट ऑफ वन गेम की कीमत मान लीजिए बोले कि वन गेम की कीमत 10 रुपीज है तो 5 गेम की कीमत क्या होगी. तो एक के बारे में बता दिया है और कई के बारे में पूछा है, वहाँ क्या होगा, वहाँ मल्टीप्लाई होता है. लेकिन यहाँ कई के बारे में बताया, मीन्स यहाँ ऐसे बता दिया है जैसे कि 5 गेम की कीमत, मान लीजिए छोटे बताते हैं कि 5 गेम की कीमत 30 रुपीज, तो 1 गेम की कीमत क्या होगी. क्या करेंगे, 5 से 30 का डिवाइड करेंगे तब एक के बारे में पता चलेगा ना. इसी तरह से आई होप अब आप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. फिर से एक बार देखते हैं. द कॉस्ट ऑफ 125 गेम्स इज ₹1,23,125. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन गेम. समझ में आ गया कि 125 गेम की कॉस्ट बताई गई है और हमें वन गेम की कॉस्ट पता करनी है. इसके लिए हमें क्या करना होगा, 125
टू रुपीज 1,23,125। पता क्या करना है, कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तो कॉस्ट ऑफ वन दिन इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे हम, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 123,125 डिवाइडेड 125। अब ये टू यहाँ हो जाएगा
बड़ा है तो 8 बार लेके जाएंगे, 8 बार लेके जाएंगे तो 1000 आया, ये 2 6 10 में से 10 माइनस किया कुछ नहीं, कितना होगा 62। अब क्या बचा है आपका, ये 5 बचा ना, 625। अब देखिए 12 से अगर 65 और 2 मिलेंगे कितने बार तक जा सकता है, 12 5 60 मीन्स 5 बार तक जा सकता है, 5 बार तक जा सकते हैं 125 को 5 बार में से 5 5 जा 25 25 को 5 तो ये आ गया 5 को 10 10 और 2 12 12 का 2 1 यहाँ आ गया 5 को 5 के साथ कर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।